अब फेस और ये फुल लेंथ डिलीवरी और बैट्समैन ने खिलाड़ियों को मोड़ा, बॉलर के गुरूर को तोड़ा और बॉल को बाउंड्री के पास छोड़ा। बाबर आजम ने पहली बॉल पे खिलाड़ियों के इस्तेमाल से 6 रन, खूबसूरत शॉट। बाबर आजम फिर से यॉर्कर लेंथ बॉल और ऑफ साइड पे उठा के खेल दिया है, क्लासिकल खूबसूरत और एलिगेंट कवर ड्राइव, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट एंड जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। यॉर्कर लेंथ बॉल थी और कलाइयों का भरपूर इस्तेमाल और गेंद जो है वो बहुत शॉट नहीं थी। फिर से वहाँ पे बॉल और फिर से वही शॉट और रिपीट टेलीकास्ट, फिर से वैसी शॉट का। बाबर आजम इज नॉट कमिंग स्लो। बाबर आजम ने कहा है कि मैं ये जो टारगेट है ये तो मैं पूरा कर जाऊँगा बहुत जल्दी। ल्यूक फर्गसन ने यॉर्कर लेंथ पे बॉल की थी लेकिन बाबर आजम ने संभलने का मौका नहीं दिया और कवर के ऊपर से और उठा के खेल दिया है, फील्डर को क्रॉस किया है और ये 6 है। न्यूजीलैंड के छोटे ग्राउंड्स का फ़ायदा उठाया है बाबर आजम ने, स्ट्रेट ड्राइव और ये उनकी जो है वो फेवरेट शॉट है और अब फ्री हिट, 9 बॉल पे 6 लगाए तो जो मोमेंटम बनाया था न्यूजीलैंड ने सारा बिगाड़ दिया है। फिर से सेम शॉट, इस दफ़ा थोड़ा सा ऑफ साइड पर लेकिन ठप्पा लगा 4 रन। तो जो मोमेंटम न्यूजीलैंड ने बनाया था, बाबर विनिंग शॉट, बाबर आजम मार सकते हैं कि नहीं, और ये विनिंग शॉट फील्डर को क्रॉस किया, दायरा क्रॉस किया, आउटफील्ड बहुत तेज़ है और ये भाग भाग के रन ले रहे हैं लेकिन वो 4 रन, बॉल बाउंड्री क्रॉस कर गई। तो यूं एक लंबे इंतज़ार के बाद पाकिस्तान को पहली दफ़ा फतह मिली है इस टूर के अंदर। फाइनली पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को T20 में हरा दिया है। आपको ये गेम कैसी लगी और ये